वाटर सप्लाई का बैरूनी मंजर, मेन गेट, अभी हम वाटर सप्लाई सरगोधा के अंदर इंटर हो रहे हैं। मेरा नाम आबिद हुसैन है, मैं आपको अपने YouTube चैनल आबिद हुसैन ब्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम मौजूद हैं वाटर सप्लाई सरगोधा के अंदर, जहाँ पानी साफ करके पूरा सरगोधा को सप्लाई किया जाता है। यहाँ चार बड़े बड़े तालाब मौजूद हैं जिनमें पानी स्टोर किया जाता है। ये बहुत बड़े इलाके पर फैली हुई है वाटर सप्लाई। इस वाटर पार्क को सन 1925 में बरतानवी हुकूमत ने तामीर किया, जो आज भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। पानी ग्लेशियर से मंगला डैम में आता है, वहाँ से मंगला डैम से ये पानी दरिया जेलम में और फिर हैड रसूल से एक नहर जो जिसका नाम लोअर जेलम है उससे होता हुआ ये पानी सैराब करता हुआ ज़िला मंडी भौलदीन में आता है। फिर मंडी भौलदीन के पास ये सरगोधा डिवीज़न को सैराब करता हुआ ये नहर जिसका नाम लोअर जेलम है उससे ये अपना इस वाटर सप्लाई को पानी सप्लाई किया जाता है, और ये नहर फिर सरगोधा से होते हुए झंग की तरफ चली जाती है। आपको इसका विज़िट करवाते हैं व्यूअर्स। ये एम्प्लॉय क्वार्टर, वाटर पंप रूम, खूबसूरत तालाब, वसी इलाके में फैला हुआ ये वाटर सप्लाई। इसके दोनों तार अतराफ पे वाटर टैंक मौजूद हैं। एक सदी होने के बावजूद भी ये कैम और दाइम टैंक में फौरन नस्ब है। मेन ऑफिस, सरगोधा वाटर पार्क 1925, वाटर सप्लाई का अंदरूनी मंजर, खूबसूरत प्लांट, तालाब के साथ एक वाटर पंप रूम मौजूद है। बहुत सारे आमों के पेड़ मौजूद, बड़े बड़े। आमों के बहुत बड़े बड़े पेड़ मौजूद हैं यहाँ पर। चाइल्ड आर प्लेइंग क्रिकेट, वाटर सप्लाई का तालाब नंबर वन,
पानी का बहुत बड़ा जखीरा। व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं तालाब नंबर 2 की तरफ। वाटर पंप रूम नंबर 1। इस पंप के जरिए फिल्टर प्लांट को पानी मुहैया किया जाता है। वाटर पंप रूम नंबर 2। वाटर हैंड पंप अभी हम तालाब नंबर 1 पर मौजूद हैं। दूसरे तालाब के नजदीक अभी पहुंचने वाले हम। तालाब नंबर 2 का वाटर पंप रूम। वाटर सप्लाई सरगोधा का तालाब नंबर 2। बहुत सारी बतखें तैर रही हैं। वाटर सप्लाई का खूबसूरत मंजर तालाब नंबर 2। एक कछुआ कछुआ हरकत करने लग गए। टॉर्टोइस गोज डाउन इन वाटर। अभी हम चलते हैं तालाब नंबर 3 की तरफ। वाटर सप्लाई सरगोधा का अंदरूनी मंजर। बहुत बड़े बड़े पेड़। Thank you.
फलदार दरख्त भी मौजूद हैं यहाँ पर। इन नालों के ज़रिए पानी एक तालाब से दूसरे तालाब में डाइवर्ट किया जाता है। आम के छोटे छोटे पौधे ये वाटर सप्लाई का तालाब नंबर 3। तालाब नंबर 3 का वाटर पंप रूम, छोटा BMT 25 KVA का, ये वाटर सप्लाई का तालाब नंबर 4। बहुत बड़ा तालाब, सबसे बड़ा तालाब ये। इसके बाद हम चलते हैं तालाब नंबर 3 पे, जो यहाँ से थोड़ा दूर है। अब यहाँ से हम होते हुए तालाब नंबर 3 की तरफ पहुँचते हैं। वाटर सप्लाई का तालाब नंबर 3 है। ये तालाब 2 तालाब के बराबर है, 1 तालाब नंबर और 2 नंबर तालाब उसके बराबर है। ये जितना एरिया 1 तालाब 2 तालाब का है ये उसके बराबर है, 2 तालाब जितना बड़ा है ये। और ये 3 नंबर तालाब 2 तालाब के बराबर है। सन 1925 में ब्रिटिश हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट को तामीर किया था, जो आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी अच्छी हालत में काम कर रहा है। और पूरे सरगोधा को यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है साफ करके, और तकरीबन 100 साल पूरे होने के बावजूद भी ये पूरा वर्किंग हालत में है। 100 साल पूरे होने वाले हैं, फिर भी ये मंसूबा पूरे सरगोधा को पानी देने में कामयाब है, और कई 100 साल और तक ये इतनी इसकी कैपेसिटी है कि ये सरगोधा को पानी सप्लाई कर सकेगा।
और अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि हम भी देर पा मनसूबे बनाएं और तरक्की की राह पे गामजन हो। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।